खबर सच्चाई के साथ। डॉक्टर एम पी आर्य के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे विशाल। बरेली की नवाबगंज विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं व जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्य को जिताने के लिए उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर विशाल गंगवार भी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और भारी बहुमत से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्य को जिताने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेता रमेश गंगवार भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्य को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रमेश गंगवार भी डॉक्टर एम पी आर्य को भारी वोटों से जिताने का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एम पी आर्य ने आज विधानसभा क्षेत्र के टहाप्यारी मुझैना संतोष व करीब एक दर्जन गांव में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील की। ऐसे में भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष गंगवार व विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार भी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर एम पी आर्य को क्षेत्र की जनता का भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अभी डॉक्टर एक बार कुछ बात कर रहे थे और उससे पहले विशाल जी ने आप लोगों भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है किस तरह से गांव की गरीब की किसान की मजदूर की प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने वाली सरकार है इसके बारे में बता रहे थे। मित्रों बिल्कुल सही बात है, ये सरकार हर व्यक्ति की चिंता करती है, किसकी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार उसको सहयोग करने की मदद करने की काम करती है। और यही एक कारण है जो पहली बार मैं देख रहा हूं कि 5 साल सरकार काम करने के बाद भी कहीं कोई विरोध दिखाई नहीं देता है, सब लोग समर्थन में खड़े हुए। क्यों? आपके दफ्तर में काम आने वाली सरकार है। लोगों को परेशानी हुई कोरोना के दौरों में तो कोई भूखा पेट ना सोए इसलिए सरकार ने चिंता की और मुफ्त में अनाज देने का काम किया। माताओं बहनों की आंखें खराब ना हो इसलिए निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। माताओं बहनों का मान सम्मान बरकरार रहे, उन्हें खेतों में जाना पड़ता था, परेशानी होती थी तो घर घर शौचालय बनवा दिए। ऐसी इतनी सारी योजनाएं हैं, गिराऊंगा तो साफ हो जाएगी। मैं तो अपने पड़ोस की बातें करता हूं, आपके आसपास की बातें करता हूं। वर्तमान सरकार आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने स्वर्गीय विधायक केशव सिंह जी का, जिन्होंने इस विधानसभा में ही इतने काम कराए हैं कि कीर्तिमान स्थापित किया है। 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो 25 साल के कार्यकाल वाले यहां घूमते हैं उसे 10 गुना ज्यादा काम करा। विशाल जी जानना चाहेंगे, आज आप जनसंपर्क के लिए निकले, ऊपर सभाएं कर रहे हैं, आर्या जी के साथ में हैं, लेकिन इतना लेट निकले हैं। लेट का हम तो हमेशा से ही आर्या जी को समर्थन किया, जब हमारा इनका टिकट हो गया तो हमारा समर्थन डॉक्टर साहब के साथ हो गया था और डॉक्टर साहब अपना अलग घूम रहे थे और मैं अपना अलग घूम रहा था। क्या कहेंगे क्षेत्र में क्या माहौल है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 में 1% बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नवाबगंज में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। तो कहीं ऐसा तो आप नजर नहीं आ रहा कि अगर आपको टिकट नहीं मिला डॉक्टर साहब के साथ लगे हुए? टिकट मांगना तो कार्यकर्ता का ही अपना अधिकार है और अगर पार्टी ने डॉक्टर साहब पे भरोसा जताया तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि पार्टी के निर्णय के साथ रहें। डॉक्टर साहब आज विशाल जी आपके साथ में हैं तो क्या कहेंगे जनसंपर्क के लिए आप निकले? देखिए कहना क्या है, जनसंपर्क के लिए निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी एक मंच पर एक मत से एक साथ निकले हुए हैं और जनता को अपना संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और नवाबगंज में भी कमल खिलाएं। क्या लग रहा है जनता के बीच आप जा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? जनता का बड़ा समर्थन देखने को मिल रहा है
और पूरी मतलब सभी जनता का पूरा मन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और नवाबगंज में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, आगे क्या तैयारी क्या? जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं, सबसे सबको के विचारों को जान रहे हैं और अपना संदेश दे रहे हैं और जनता से निवेदन कर रहे हैं। किससे मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, अगर समीकरणों पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे होने वाला है। A1 News India, हर खबर सच्चाई के साथ।